हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टेक नवजात। दिस इज रोहित शर्मा। एंड यार, आज आपके लिए एक थोड़ा सा कुछ मैंने प्लान किया था, तो आपको शायद पता तो लग गया होगा, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था इससे पहले भी। ठीक है, तो आई एम प्लानिंग टू कंडक्ट इंडियाज बिगेस्ट क्विज टूर्नामेंट। ठीक है, तो ये जो क्विज टूर्नामेंट होगा ये अराउंड 60 डेज लॉन्ग क्विज टूर्नामेंट होगा। ठीक है, 60 डेज लॉन्ग के साथ साथ ये हमारी दो ब्रांचेस के लिए मैं कंडक्ट करने जा रहा हूँ, जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है और दूसरी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, दोनों के लिए कंडक्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों ब्रांचेस के लिए जो हमारे मोस्ट कॉमन पेपर जो अब हम आने आने वाले टाइम में देने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका इसरो टेक्निकल असिस्टेंट एग्जाम जो है, जो कि हमें अभी मालूम नहीं है कब होगा कुछ भी, मतलब जो भी इसके वेरियस सेंटर्स हैं। उसके बाद NPCIL का आपका साइंटिफिक असिस्टेंट का स्टाइपेंड ट्रेनिंग का एग्जाम है। ठीक है, फिर आपका UPPCL में भी एग्जाम आपका है, फिर आपका NPCIL का भी एग्जाम है। ठीक है, फिर आपका SSC JEE का भी है, अगर मैं इलेक्ट्रिकल को बात करूं तो। ये आपके कमे एग्जाम्स हैं, तो मैंने सोचा कि एक क्विज हमें कंडक्ट करना चाहिए, क्विज टूर्नामेंट कंडक्ट करना चाहिए, जिसमें जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, चाहे हमारे न्यूमेरिकल हों या कुछ भी हो, जिसमें जो हमारे क्वेश्चन हो वो इन सारे फाइव टोटल ये फाइव एग्जाम्स पे बेस्ड हों। ठीक है, टोटल फाइव एग्जाम्स पे बेस्ड हों। तो ये जो हम क्विज टूर्नामेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ये हम 20 फेब 2021 से लेके 21 अप्रैल तक डेली चलेगा। ठीक है, तो अब जिन जिन को प्रिपरेशन करनी है, तो प्लीज थोड़ा सा है ना, अपने आप को स्ट्रिक्ट, आपको डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको क्विज टूर्नामेंट के साथ साथ और भी चीजें इसके अंदर हैं जो कि बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, तो क्विज टूर्नामेंट के साथ साथ और भी चीजें हैं, तो मैं बताता हूँ भी आपको क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो इस PDF में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले कंटेंट ऑन विच एग्जाम क्विज टूर्नामेंट इज बेस्ड। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्विज टूर्नामेंट कंडक्ट कर रहा हूँ। फिर एग्जाम पैटर्न ऑन डिफरेंट एग्जाम्स के, फिर शेड्यूल, जो हमारा क्विज टूर्नामेंट का शेड्यूल क्या रहेगा, कौन सा टॉपिक का कौन सा कब एग्जाम है, कब क्विज है, क्या टाइमिंग होंगी, क्या है क्या नहीं है, वो आपको सब बताऊंगा मैं। नेक्स्ट हमारा है नोट्स एंड वीडियोस बेस्ड ऑन क्विजेस, इसके बारे में बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, ये आपके लिए सरप्राइज है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, ये भी सरप्राइज है। ठीक है, और कोर्स एंड टेस्ट सीरीज जो अपलोडेड है पहले से ही, इनके बारे में भी मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं करा, जाके टेक्नोविजार्ड ऐप डाउनलोड करो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज फॉर इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ये जो PDF है मैं आपको YouTube डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑन विच एग्जाम क्विज टूर्नामेंट इज बेस्ड, फर्स्ट इज इसरो टेक्निकल असिस्टेंट, बोथ फॉर इलेक्ट्रिकल एज वेल एज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। NPCIL, बोथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, दोनों में 22-22 वैकेंसीज हैं आपकी, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इलेक्ट्रिकल में भी। फिर आपका UPPCL का एग्जाम है इलेक्ट्रिकल के लिए, फिर SSC JEE इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, तो उस पर ये बेस्ड होगी। ये सबके एग्जाम पैटर्न है, ये आपको पहले से ही मालूम है किस में क्या है, फिर भी मैंने इस PDF में आपको दे दिया है, आप एक बार रेफर कर सकते हैं कि किस में कौन सा कौन से एग्जाम में क्या पैटर्न आ रहा है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब आता है शेड्यूल फॉर क्विज टूर्नामेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो क्विज है वो टोटल 60 डेज लॉन्ग होगा। ठीक है, क्योंकि इसरो के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो, जो कि बहुत कम वेटेज है लेकिन आ रहे हैं, उनके लिए उनको भी मैंने इस क्विज में लेकर आया हूँ। ठीक है, जिससे हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा 20 फेब से नेटवर्क थ्योरी हम स्टार्ट करेंगे। टोटल नेटवर्क थ्योरी के 4 क्विजेज होंगे इस तरीके से। फर्स्ट टेस्ट जो आपका बेसिक्स एंड टू पोर्ट नेटवर्क पे होगा, जो कि आपका 20 फेब 2021 को होगा। देन आपका नेटवर्क थ्योरम पे होगा 21 फेब को, ट्रांजिएंट 22 फेब, एंड साइनसॉइडल एसी सर्किट एंड रेजोनेंट 23 फेब। ठीक है, एक एक टॉपिक मैंने कवर करा है, आप देख सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम के अंदर मैंने बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम रिस्पॉन्स एंड देन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन कुछ एग्जाम्स में आता है, कुछ एग्जाम्स में नहीं आता, बट फिर भी मैंने इसको इसके अंदर रखा है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। डिजिटल सर्किट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक्स, फिर आपका कॉम्बिनेशन, फिर सिक्वेंशियल, फिर लॉजिक फैमिली, ADC एंड DAC, पूरा मैंने एक एक टॉपिक को कवर करूंगा इस पूरे क्विज टूर्नामेंट में। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ट्रांसफॉर्मर, DC के साथ साथ इंडक्शन और सिंक्रोनस को भी देखेंगे। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोल में 8085, 8086 माइक्रो प्रोसेसर, 8051 माइक्रो कंट्रोलर। मिसलेनियस टॉपिक्स भी देखेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम रेक्टिफायर, अभी तक हमने ये दो देखे थे, अब हम चॉपर और इन्वर्टर भी देखेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पर पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम में हम सारी चीजें देखेंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लासिफिकेशन, AC एंड DC ब्रिजेस हो गया, CRO एंड एरर्स हो गया, और ट्रांसड्यूसर्स हो गए, सारे टॉपिक देखेंगे जो कि हमारे 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक है। मैंने सबकी डेट्स दे रखी हैं। ठीक है, आपको कौन सा क्विज कब देना है, किस टाइम, टाइमिंग सबकी सेम रहेगी, 7 PM डेली। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज में भी देखो मैंने इस तरीके से करा, जो हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल है वो मैं 5 अप्रैल को लूंगा। ठीक है,
इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर, लिंकर, लोडर, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर एल्गोरिथम, ये सब हमारा 6 अप्रैल में आएगा, ये जो टॉपिक्स हैं, ठीक है। एरे, स्टैक पॉइंटर 7 अप्रैल, और लास्ट में इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इस तरीके से 8 अप्रैल। मिसलेनियस के इलेक्ट्रॉनिक्स में VHDL, ठीक है, फिर वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन, फिर एंटीना एंड सिग्नल, इस तरीके से मैंने चारों टॉपिक को मिसलेनियस में डिवाइड कर दिया। अप्लाइड मैथ्स का भी मैंने डिवाइड करें, पहला आपका जो अप्लाइड मैथ्स का जो फर्स्ट टेस्ट होगा उसके अंदर वेक्टर, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स होंगे, सेकंड में लॉगरिथम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, PNCs, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बायनोमियल एक्सपेंशन, फोर्थ वन इज ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन, एंड फिफ्थ वन इज द कैलकुलस। ओके, सेम फॉर एप्टीट्यूड, आई हैव ऑल्सो डिवाइडेड फॉर एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पूरा आपका मैंने क्विजेस टॉपिक वाइज डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। वो डिस्कस क्या कर रहे हैं, मान सपोज आपका 20th फेब को आपका बेसिक्स प्लस टू पोर्ट नेटवर्क का आपका क्विज है, ठीक है, बेसिक्स प्लस टू पोर्ट नेटवर्क का, ठीक है। तो 20th फेब को सबसे पहले आपको इसके कंसेप्ट पे एक वीडियो मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है, अराउंड 12 PM तक वो YouTube चैनल पे अपलोड हो जाएगी, जिससे आप वो कंसेप्ट अच्छे से पढ़ सकें, और आप पे 12 PM से लेके 7 PM तक आप उस कंसेप्ट को रिवाइज प्लस क्वेश्चन आंसर उसके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप 7 PM आपको क्विज अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 7 PM से 7:45 तक का आपका 7:45 PM तक आपका क्विज चलेगा, उसके बाद आप क्विज अपना एनालाइज कर सकते हो, उसके आंसर्स अपने आप होंगे। उसके बाद इस टॉपिक पे बेस्ड हम नोट्स भी अपलोड करेंगे, ओनली पर्टिकुलर टू दैट टॉपिक, ठीक है। बेसिक्स प्लस टू पोर्ट नेटवर्क पे आपके नोट्स अपलोड होंगे, तभी उसी दिन आपको अराउंड 10 PM तक उसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स आप रिवाइज कर सकते हैं, और ऑन द नेक्स्ट डे आपको क्विज कंडक्ट करा है मैंने बेसिक्स प्लस टू पोर्ट नेटवर्क पे, उसकी पूरी डिस्कशन, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे कि यार ये मेरा आंसर आया कैसे, अगर आपको सोल्यूशन में से भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमने इस तरीके से इसको प्रिपेयर करा है कि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट वीडियो मिलेगी, जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या कंसेप्ट है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा अच्छे से आपको। सेकेंड आपका क्विज होगा, जो कि 7 PM पे 7 PM से 7:45 PM के बीच में होगा, उसके बाद आप अपना एनालाइज कर सकते हैं आंसर, उसके बाद आपको उस टॉपिक पे बेस्ड नोट्स 10 PM तक हैंड रिटन अपलोड मिल जाएंगे ऐप के ऊपर, फिर नेक्स्ट आपको क्विज डिस्कशन वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा यही प्रोसीजर हर क्विज के लिए 20th फेब से लेकर 21st अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारा इलेक्ट्रिकल का। अब इलेक्ट्रिकल में क्या है, सेम हमारा इसमें टोटल 53 डेज ये लॉन्ग होगा, ठीक है, 53 डेज लॉन्ग होगा, 53 क्विजेज होंगे आपके 20th फेब से लेकर 13th अप्रैल तक, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने इसको डिवाइड करा। अब मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का क्विज डिफरेंट होंगे, ठीक है, ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। ये मत समझना कि बेसिक्स प्लस टू पोर्ट नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सेम है और इलेक्ट्रिकल का भी सेम है तो उनका क्विज भी सेम होगा, नो, दोनों के डिफरेंट होंगे, ये चीज याद रखना दिमाग में, सही है, दोनों के डिफरेंट होंगे। ये भी आपका 53 डेज लॉन्ग चलेगा, पूरी शेड्यूल पूरा आपको मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो ये सब आपको पूरा मिल जाएगा। सेम इसका भी वही चीज रहेगा, नोट्स एंड वीडियोस ऑन क्विज टूर्नामेंट टॉपिक व्हिच हैज बीन डिसाइडेड ऑन अबव मेंशन डेट, रिलेटेड नोट्स ऑन द सेम डे ऑफ क्विज विल बी प्रोवाइडेड टू यू एज वेल एज कंप्लीट वीडियो लेक्चर बेस्ड ऑन अ क्विज ऑन क्विज अ डे आफ्टर। ओके, तो जो आपका वीडियो लेक्चर है वो जैसे अगर 20th फेब को है तो आपको उसी दिन आपको सबसे पहले वीडियो मिलेगी, उसके बाद आपको आपका क्विज कंडक्ट होगा, फिर आपको नोट्स मिलेंगे, और उसके बाद क्विज डिस्कशन के लिए नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है, नेक्स्ट डे पे उसी क्विज डिस्कशन आपको नेक्स्ट डे पे मिलेगा। अब प्रिपरेशन कैसे करना है, सबसे पहले स्टेप वन आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फ्रॉम द वीडियो। ओके, सेकेंड स्टेप इज रिवाइज इट थरली एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट टॉपिक, that is the quiz going which is going to held on 7 PM. okay, so step 3 is attend the quiz at 7 PM and analyze your results. Step 4, revise the notes prepared by us for that particular topic. And step 5 was the quiz discussion video to resolve all the doubts completely. Okay, so ye hamare sare exams ko clear karne ka जिसे कहते हैं ना एक फंडामेंटल प्रोसीजर है जो कि हम फॉलो करने वाले हैं इन 60 डेज में स्टार्टिंग फ्रॉम 20th ऑफ फेब, ठीक है।
टू 21st ऑफ अप्रैल एंड ऑल ऑफ द थिंग्स विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट. यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी फॉर दिस. ओके ओके. सो अब नेक्स्ट ये कोर्सेज और टेस्ट सीरीज मैंने आपको पहले बता रखे. जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन विद कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स आपका टेक्नो विजार्ड पे ऑलरेडी अपलोडेड है एट अ कॉस्ट ऑफ 999 rupees ओनली. ओके सो यू कैन परचेज इट इफ यू लाइक द कोर्स. एंड इसरो टेक्निकल असिस्टेंट का क्रैश कोर्स जो है मैकेनिकल अड्डा पे ऑलरेडी अपलोडेड है. और इसरो टेक्निकल असिस्टेंट का सुपर 40 टेस्ट सीरीज भी आपके मैकेनिकल अड्डा पे अपलोडेड है. ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं और आगे जाके आप परचेस कर सकते हैं अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो. ठीक है, ये तीनों कोर्स मैंने ही फॉर्म करे हैं, तो आप जाके परचेस कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तो थी सारी इन्फॉर्मेशन. और ये जो आपका पूरा सब कुछ है, पूरी PDF, ये आपको YouTube डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिल जाएगी. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना, ठीक है, जिससे सबको फ़ायदा मिले. एंड आप पे 18th February, 19th February, and 20th February You have total of 3 days to register for this course on the app. तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको Google Play Store से आपको app download करना है. Techno Wizard आपको टाइप करके app download करना है Google Play Store से. App download करने के बाद आपको register करना है. ठीक है, अपनी mail ID या phone number से register करना है. फिर आपको क्या करना है, आपको store में जाना है. आपके स्टोर में जाओगे तो आपको क्या कहते हैं, कोर्स आपको मिल जाएगा. तो वो आपको कोर्स परचेज करना पड़ेगा. ठीक है, मैंने आपको पहले बोला था फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट यहाँ पे आपको 1 rupee में ये कोर्स परचेज करना पड़ेगा, जो कि हमारे इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस वगैरह जो हमें पे करने पड़ते हैं ऐप के ऊपर. ठीक है, वो मेरे भी हाथ में नहीं है. तो 1 rupee आपको पे करना पड़ेगा. 1 rupee में आप जाके इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्विजेज मिल रहे हैं, क्विजेज के साथ साथ आपको वीडियोज मिल रही हैं, वीडियोज के साथ साथ नोट्स मिल रहे हैं, क्विज डिस्कशन वीडियो मिल रही है, जो कि 60 days लॉन्ग चलेगा. और आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर कराना मेरा फंडा है. ठीक है, मेरा फंडा एक एक कंसेप्ट क्लियर कराना आपको 60 days के अंदर. ठीक है, जिससे आप सारे एग्जाम्स में आप अच्छा परफॉर्म कर सको. ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और ये जो मैं स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए अगर अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ यार वीडियो को भर के लाइक करना. ठीक है, और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ. ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और मुझे भी मोटिवेट फील करता हूँ मैं भी अगर आप ये सब्सक्राइब करते हो चैनल को. ठीक है, तो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट गाइस. रजिस्ट्रेशन चालू कर दो ऐप के ऊपर. ठीक है, 20th February को 7 PM डेली क्विजेज आपके चालू हो जाएंगे, उसी कोर्स में अपलोड होंगे. और वो आपको 7 PM से 7:45 PM के बीच में ही आप दे सकते हैं. ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर टू रजिस्टर, आज ही रजिस्टर करना. ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और लाइक करना वीडियो को. ओके, बाय, टेक केयर.